प्रदेश को कोरोना क्वारंटीन डेस्टिनेशन बनाने का मुख्यमंत्री का अजीबोगरीब विचार आश्चर्यचकित करने वाला है। पूरे विश्व के किसी भी देश अथवा प्रांत में पर्यटन को प्रमोट करने के लिए ऐसा विचित्र विचार किसी नेता अथवा अधिकारी के जहन में नहीं आया। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री का अपना कोई विजन अथवा सोच नहीं है तथा सरकार के ऊपर अधिकारियों वो निक्करधारियों का नियंत्रण है। प्रदेश को कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में क्वारंटीन डेस्टिनेशन बन नहीं बनने देगी, परंतु मुख्यमंत्री के सलाहकार उन्हें राजनीतिक क्वारंटीन में अवश्य भेज देंगे। ऐसी सलाह देने वाले सलाहकार ना प्रदेश के और ना ही मुख्यमंत्री के हितैषी हैं। मुख्यमंत्री जी, जिस किसी भी आपके शुभचिंतक ने आपको यह सलाह दी है, आपको यह परामर्श दिया है, लगता है कि उस अधिकारी ने आपको क्वारंटाइन करने की पूरी तैयारी और पूरी प्लानिंग कर ली। अपने सलाहकारों को बदलिए, नहीं तो समय से पहले ही आपको बदलवा देंगे। आप हिमाचल प्रदेश के जो नागरिक हैं उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। आज हिमाचल प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं और व्यवस्था ना आपसे छुपी है ना प्रदेश की जनता से छुपी है। हिमाचल प्रदेश के पास मात्र 100 वेंटिलेटर्स हैं और हिमाचल प्रदेश से बाहर से जो लोग प्रदेश के अंदर अपने घर तशरीफ लाए हैं उनको जहां क्वारंटाइन किया गया है उन जगहों का, उन स्थितियों का फीडबैक लीजिए। अभी तक हम उनको कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से क्वारंटाइन करने में सफल नहीं हुए हैं। प्रेम कौशल ने स्वास्थ्य विभाग में उजागर हुए भ्रष्टाचार के मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की नाक के नीचे जिस प्रकार महामारी से सीधी जंग लड़ रहे कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा के लिए खरीदे जाने वाले सामानों में भ्रष्टाचार की बात सामने आई है, वह आश्चर्यचकित करने वाली है। और ऐसी परिस्थितियों में जब मानवता के अस्तित्व को बचाने का संघर्ष सारा विश्व कर रहा हो, इस प्रकार का कृत्य साधारण भ्रष्टाचार का मामला नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में जब जनता महामारी के खौफ से खौफ ज्यादा हो, कर्मचारियों का वेतन काटकर, कर्मचारियों पेंशन्स का डीएसीज करके और कई तरीकों से, कई साधनों से कोविड 19 के साथ लड़ाई लड़ने के लिए कोविड फंड इकट्ठा किया जा रहा हो और उस फंड का इस्तेमाल इस तरह से किया जा रहा हो जिसमें भ्रष्टाचार हो रहा हो, ये एक बहुत बड़ा अमानवीय कृत्य भी है। इसको एक साधारण भ्रष्टाचार के घटना के तौर पे नहीं देखा जा सकता। इसलिए जिस तरीके से इस घोटाले में जो मीडिया में बातें निकल के आ रही हैं, कुछ बड़े नेताओं के संरक्षण और उनके शामिल होने की बात आ रही है, प्रदेश की सीआईडी, प्रदेश की विजिलेंस, प्रदेश की पुलिस, अगर इसमें बड़े मगरमच्छ शामिल हैं उनको हाथ नहीं डाल पाएगी। और ऐसी स्थिति में अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप चाहते हैं कि सच का सच, झूठ का झूठ हो और दुनिया के सामने, समाज के सामने, प्रदेश की जनता के सामने सच आए, जिन लोगों ने बेईमानी की है, भ्रष्टाचार किया है, अनैतिकता की है, वो दंडित हों, तो बिना देर किए इस घोटाले की जांच जो है वो आप सीबीआई को सौंपें।